क्रिस्पी करारा नाश्ता जो कि बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार हो जाता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं ऐसा नाश्ता जिसे कि आप सुबह के ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स की तरह खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये नाश्ता अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जालीदार होता है और बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप लिया है चावल। चावल को हम 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। अब हमने इसमें पानी डाल के इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोख करने रखा है। चावल हमारे अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं। चावल को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ डाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी इसमें डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका फाइन सा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है जिसे कि हमने बॉयल किया हुआ है। बॉयल आलू हमने काट के इस बैटर में डाल दिया है। अब हम इसे फिर से ग्राइंड कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ पर ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, चावल और आलू का बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। हमने इसे एक बोल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसमें कुछ सब्जियाँ डाल लेते हैं और सब्जियों से इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास सब्जियाँ हैं तो आप इसमें ज़रूर डालें। यहाँ पर मैंने कैप्सिकम डाल लिया है, ग्रेट किया हुआ कैरेट, धनिया पत्ता और प्याज डाल लिया है। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास सब्जियां नहीं हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ धनिया पत्ता और प्याज का ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसमें हरी मिर्च बिल्कुल भी ना डालें, और बड़ों के लिए सिर्फ बना रहे हो तो आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे डाल लेते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरा से इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हमने इसमें डाल लिया है 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं। अब इससे ज़्यादा हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डाल रहे हैं। इसी मसाले से इस नाश्ते का जो टेस्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा फ्लफ़ी बनता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जब बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो बैटर है ना, वो मुझे थोड़ा सा गाढ़ा सा लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसे मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को किस शहर से देख रहे हैं, आप चाहे तो कमेंट में लिख करके आप मुझे बता सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। इसमें हम डाल लेते हैं 2 चुटकी बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला मीठा सोडा होता है ना, इससे हमारा नाश्ता जो है काफ़ी फूला फूला, काफ़ी फ्लफ़ी सा बनेगा, जालीदार सा बनके तैयार होगा। नाश्ते को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल लेते हैं राई। अब इसमें 1 करछी हम इसमें बैटर डालेंगे। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को आपको लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब हम इसमें ढक्कन ढक देते हैं, तो कोई भी प्लेट आप छोटा सा इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से लो फ्लेम पे हमने इसे पका लिया है। अब थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, नाश्ते को हम पलट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा सा इसमें कलर आया हुआ है, और नीचे से जब एक बार सिक किया ना बिल्कुल अच्छी तरह से, तभी हमने इसे पलटा है। जब कच्चा है तो बिल्कुल भी ना पलटे, वरना नाश्ता टूट भी सकता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी करारा सा हमारा ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। देखने से ही आपको पता चल रहा है कि कितनी अच्छी तरह से ये पक के तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, धीमी धीमी आंच में ही आप इसे पकाएं, वरना अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हमारा ये नाश्ता बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना ज़्यादा जालीदार हमारा नाश्ता बना है, बाहर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट। और आप इसे किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स, जब भी कुछ अलग सा बहुत टेस्टी सा नाश्ता खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कच्चे चावल से बनने वाली रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबाएँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।